फ्रेंड्स, अगर आप बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर हो तो आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, और ये न्यूज़ बाज़ार बंद होने के बाद आई थी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, न्यूज़ है डिविडेंड से रिलेटेड, जो कि अभी जो वीयर्स चल रहा है, यानी कि इसमें दो चार दिन ही बचे, तो इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है अगली आने वाली 28 अप्रैल बुधवार के दिन। तो फ्रेंड्स, आपको 28 अप्रैल को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, क्योंकि वहां पर आपको पता चल जाएगा कि बजाज फिनसर्व कितना डिविडेंड दे सकते हैं, और यह ग्रुप में भी डिविडेंड पॉलिसी में काफ़ी बदलाव भी हुए हैं। तो हो सकता है अगले आने वाले दिनों में यहां से ज़्यादा डिविडेंड मिलने के चांस बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले ही बजाज फाइनेंस ने अपडेट दी थी कि वो डिविडेंड पॉलिसी में थोड़ा बहुत बदलाव कर ले, जो कि शेयर होल्डर के लिए बहुत ही पॉजिटिव था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आप 28 अप्रैल ध्यान में रख कर चलना।